गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज शिखा पॉल। तो इन माय लास्ट वीडियो आई ट्राइड सम पार्टी हैक्स एंड दैट वाज अमेजिंग। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर जरूर देखिए वो वाली वीडियो। और तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इन माई फर्स्ट हैक शी मेड सम डॉट्स हेयर लाइक दिस। मतलब जो तो फर्स्ट हैक के लिए हम लोगों को चाहिए होगा कुछ सामान। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे कॉम्ब, मेकअप ब्रश और कॉन्टोर। तो कॉन्टोर मेरे पास नहीं है बट मैं उसकी जगह पर आई शेडो पैलेट से एक डार्क कलर का शेड उठाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो दिस इज कॉम्ब, मेकअप ब्रश और आई शेडो पैलेट। ओके, तो मैं दिखा देती हूँ कि मैं कौन सा शेड लेने वाली हूँ। उन्होंने कॉन्टोर लिया था, मैं ये डार्क सबसे डार्क शेड, इस पैलेट का सबसे डार्क शेड लेने वाली हूँ। देख सकते हैं आप, सबसे डार्क ये वाला को मैं इस पे ऐसे लगा दूँगी। कुछ भी तो नहीं हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा। तो हैक में भी हैक मैं कर रही हूँ क्योंकि इसमें आई शेडो पैलेट का वो चिपक नहीं रहा है जो भी शेड हम लोग लगा रहे हैं। तो वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग इस पर पहले बॉडी लोशन लगा लेते हैं, थोड़ा क्रीमी लेयर बना लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर आई शेडो पैलेट का जो शेड है वो लेंगे और इस पर लगाएंगे, फिर हम लोग इसे डॉट 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 बनाएंगे। तो माई ब्रश इज रेडी विथ दैट। इसका फ़ायदा क्या होता है, मतलब कुछ तो फ़ायदा होगा ना, तभी ये डॉट 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 बनाया जाता है और फिर पिक भी क्लिक किया जाता है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका फ़ायदा क्या होता है। बट या दिस हैक, मतलब ये हैक काम किया। तो मैं क्लियर कर दूँ, मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है, केवल लिपस्टिक और लाइनर ही लगाया है, तो इस वजह से शायद वो कम दिख रहा होगा, बट मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है। बट यू कैन सी दिख रहा है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड हैक। और सेकंड हैक में उन्होंने एक स्पून के हेल्प से मस्करा लगाया था, तो चलिए हम लोग भी करके देखते हैं। ये वाला मेरा आईलैशेस देखिए और ये वाला, यू कैन सी द डिफरेंस। मुझको लगा था कि चम्मच गंदा हो जाएगा बट नहीं हुआ। मुझको लगा था कि चम्मच गंदा हो जाएगा बट नहीं हुआ। A few moments later. Actually, मुझे मेकअप का एम भी नहीं आता बट फिर भी मैं ब्यूटी हैक्स कर रही हूँ। बट फिर भी मैं ब्यूटी हैक्स कर रही हूँ। तो इस हैक को भी मैं पास करती हूँ, ये भी हैक काम किया। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर थर्ड हैक। थर्ड हैक में उन्होंने तीन उंगली से ऐसे करके मेकअप किया है, तो इससे क्या होगा कि सब कुछ सही जगह पर लगेगा, मतलब हाइलाइटर यहाँ लग जाएगा, ब्लश यहाँ लग जाएगा, कॉन्टोर यहाँ लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन आई डोंट हैव कॉन्टोर एंड आई विल टेक दिस शेड, डार्क शेड, कहाँ गया ये वाला। तो आई हैव ब्लश, आई हैव हाइलाइटर, बट सबसे पहले इस वाले उंगली में लेंगे हाइलाइटर क्योंकि हाइलाइटर सबसे ऊपर में लगता है। खैर मुझे ये पता है कि क्या क्या चीज़ कहाँ पर लगती है। अब लेंगे ब्लश, तो मैंने ये तीनों ले लिया। अब इसको अप्लाई करते हैं, हाइलाइटर यहाँ, ब्लश यहाँ। अब इसको ब्रश से एक्चुअली मुझे, मैंने कुछ भी नहीं लगाया इसलिए इसको स्प्रेड होने में टाइम लग रहा है, मतलब बेस लगा लेती मैं तो शायद ये सही स्प्रेड हो जाता। तो ये हैक भी पास होता है, इस हैक को भी मैं पास करती हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ आर फोर्थ हैक। तो फोर्थ हैक में उन्होंने लिया है एक बनाना क्लिप और नेल पेंट।
फिर बनाना क्लिप को ऐसे लगा के फिर नेल पेंट लगाया। इससे क्या होगा कि नेल पेंट इधर उधर नहीं फैलेगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग भी ये हैक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आई विल फिक्स इट लाइक दिस। अब इसमें नेल पेंट अप्लाई करना शुरू करते हैं। वैसे ही बहुत पेन हो रहा है, मतलब इधर इधर से दब गया है उंगली। अब इसको हटा देते क्योंकि इससे बहुत पेन हो रहा है। आइला देख सकते हैं इसने मेरी उंगली में छेद कर दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो ये मैंने क्लिप से क्लिप के साथ अप्लाई किया और ये मैंने बिना क्लिप के अप्लाई किया। बिना क्लिप के भी अच्छा लगा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बिना क्लिप के भी अच्छा लगा है। तो वी डोंट नीड क्लिप लाइक दिस, तो डोंट यूज इट। तो मैं इसको डिसलाइक देती हूँ। आई डोंट लाइक दिस हैक। तो लेट्स स्टार्ट विथ आर फिफ्थ हैक। तो फिफ्थ हैक में उन्होंने एक मेकअप ब्रश लिया है और उसको दो तरफ से क्लिप लगा के हाइलाइटर जैसा ब्रश, हाइलाइटर का जो मेकअप ब्रश होता है वो बनाया है। तो चलिए हम लोग भी स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाते हैं हाइलाइटर के ब्रश की तरह हैक देख के और फिर इससे भी अप्लाई करके देखेंगे कि कौन ज़्यादा बेटर है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। A few moments later. तो माई हाइलाइटर ब्रश इज़ रेडी। ये है ओरिजिनल और ये है हैक वाला। अब इससे अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं इस हैक को भी डिसलाइक देती हूँ और इस हैक, मुझे ये हैक समझ में नहीं आया क्योंकि जब मैंने इस वाले ब्रश से हाइलाइटर अप्लाई किया तो ये कहीं कहीं धब्बा धब्बा सा मतलब रह गया, मतलब अच्छे से मिक्स नहीं हुआ। जैसे प्रॉपर हो जाता है ना हाइलाइटर से, जैसे हम ऐसे ऐसे लगाए और फटाक से हो गया, तो ऐसा नहीं हुआ। बट जब मैंने इससे अप्लाई किया इस साइड में तो ये अच्छे से प्रॉपरली एकदम फैल गया, अच्छे से मतलब लग गया। तो मैं इस हैक को डिसलाइक देती हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंट करके ज़रूर